नमस्कार, जय जगन्नाथ। स्वागत है आप सबको मेरे चैनल पर। आज मैं बनाने जा रही हूँ ढोकला, वो भी एकदम नए तरीके से। आप तो हमेशा चना दाल बेसन में ढोकला बनाकर खाए होंगे, लेकिन आज हम बनाएंगे उड़द डाल कर ढोकला। तो फिर ये बहुत ही टेस्टी लगती है, आप इसे ज़रूर एक बार बनाकर देखिए। तो फिर चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर मैंने एक कप उड़द दाल और एक कप चावल को भिगोने के लिए हम रखते हैं इनके 5 घंटे के लिए। 5 घंटे के बाद इसे अच्छी तरह से ये सोख हो गई है। अब हम इसको ग्राइंड कर देंगे। एक मिक्सर ग्राइंडर जार लेंगे। अब हम इसमें उड़द दाल और चावल को डालेंगे। थोड़ा सा पानी डालकर हम इसको ग्राइंड कर देंगे। इसका हमें एकदम फाइन पेस्ट नहीं बनाना है, थोड़ा सा दरदरा जैसे सूजी, मोटे दाना के सूजी जैसे है, उस तरह से हमें चाहिए। बिल्कुल फाइन पेस्ट नहीं चाहिए, नहीं तो हमारा ढोकला अच्छी नहीं बनेगी। बस इस तरह से होना चाहिए। अब हमें इसको 5 घंटे के लिए रख देंगे। अब 5 घंटे हो गई है। अब हम इसमें सारे चीज़ें मिलाएंगे। पहले हम इसमें ग्रेट किया हुआ अदरक डालेंगे, फिर इसमें जीरा डालेंगे, उसके बाद यह 1/8 टीस्पून खाने का सोडा, और यह स्वाद के अनुसार नमक आप डाल देंगे, और चाहें तो आप इसमें कटी हुई हरी मिर्च भी डाल सकते हैं। लेकिन अब अच्छी तरह से मिक्स हो गई है। अब हम केक टिन लेंगे। अब इसको हम अच्छी तरह से ऑयल से ग्रीस कर देंगे। फिर हम इसमें जो बैटर है उसको डाल देंगे। इसको स्टीम करने के लिए 30 से 40 मिनट लगती है। मैंने थोड़ा मोटा बनाया है इसलिए 30 से 40 मिनट लग गई, लेकिन आप अगर पतले पतले करके बनाएंगे तो जल्दी बनकर रेडी हो जाएगी। अब इसको हम स्टीम करने के लिए रख देंगे। अब हमारा ढोकला एकदम स्टीम हो गई है। अब हम इसको निकाल देंगे। अच्छी तरह से ठंडा होने के बाद हम इसको डीमोल्ड करेंगे। अब हम इसके ऊपर एक छोंक लगाएंगे। इसके ऊपर मैंने थोड़ा तेल में जीरा, सरसों और थोड़ा कड़ी के पत्ते डालकर हम इसको छोंक लगाएंगे। आप चाहे तो इसका कट करने के बाद भी इसके ऊपर डाल सकते हैं, लेकिन मैंने ऐसे ही ऊपर डाल दिया है। आप इसे एक बार ज़रूर बनाकर देखें। आप लोगों को कैसे लगे मुझे कमेंट करके बताइए। आप इसे हरी चटनी या फिर नारियल की चटनी, चना दाल की चटनी, किसी भी चटनी के साथ इसे आप एंजॉय कीजिए। आप लोगों को कैसे लगे मुझे कमेंट करके बताइए, और प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं एक अगले नई वीडियो पर। टाटा बाय बाय।